इनका राजनीतिक जो सफ़र है एकता शक्ति से शुरू हुआ, उसके बाद दूसरी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और आज आम आदमी पार्टी, क्या मानते हैं? परमानंद जी के नाम से कितने कार्यक्रम होते हैं, कभी नाम लेता है अपनी जबान से? जय शिवराय, शिवराय भी तो बीजेपी में रहे, आपका कहीं इंटरेस्ट तो नहीं क्लैश हुआ जिसकी वजह से ऐसा? देखिए देखिए, और जो वोट दे देता है फिर इसके आदमी कहते हैं देखो इतनी वोट दी हमें, तुम मराठे हो ना सारे, वोट भी दो और अपनी जात भी बदलो। वो कहां से शुरू किया, पेट्रोल पंप से कौन सी बात शुरू की और कहां पे आके खड़े हो गए? और मन में कह के मुझे एमएलए बना दो, बैठ के घर में सोचता है कि बिल्कुल सार्वजनिक तौर के ऊपर इसको ये बात कहनी चाहिए कि भाई मेरे से गलती होगी, मैंने ये बात आपको कही थी, मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ। देखिए वो आईएएस है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, बने हैं तो हरियाणा में एचसीएस की भर्तियाँ कैसे होती थी, उन्हीं में से एक भर्ती वीरेंद्र वर्मा की भी हुई थी और मुद्दा लेकर क्या इन्होंने राजनीति नहीं। और इसने जो धन संग्रह शुरू किया वो इस नाम पे धन संग्रह शुरू किया था कि हम समाज के लिए काम करेंगे, उसके लिए धन चाहिए। बाद में वो धन चुनमा ने नहीं होने दी। चौधरी सिमराम वर्मा ने एक भी दिन ये नहीं कहा कि मेरा बेटा स्वीकार कर ले। सही कह रहा है। समाज के कुछ लोगों ने उस वक्त इसको रोका क्यों नहीं, इस तरह का मुद्दा बनाने के लिए एक पार्टी बना दी, लोगों ने अपने नाम के आगे लिखना शुरू कर दिया है, कई गांवों में झंडे लगाने शुरू कर दिए, आज भी कई गांवों में लगाते हैं, आप लोगों ने भी और लोगों ने रोका क्यों नहीं? देखिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वालों की कतार लगी हुई है। करनाल जिले से भी कल वीरेंद्र वर्मा झंझाड़ी वाले, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। हमारे साथ करनाल से मेहर सिंह, चौधरी मेहर सिंह कलैमपुरा हैं और इनसे बातचीत करेंगे इस मसले पर, क्योंकि ये करनाल से राजनीति कर रहे हैं, हरियाणा भाजपा भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और करनाल जिले के दो बार महामंत्री रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चहेते रहे हैं, करनाल में लंबे समय से सक्रिय हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे इस मसले पर। वीरेंद्र वर्मा झंझाड़ी वाले ने जो आम आदमी पार्टी का दामन थामा है उसको ये किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो चौधरी रणदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कल से आप संपर्क में थे कि भाई कुछ बातचीत करें हम इस विषय में, तो और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपका जो चैनल है बातों बातों में, ये बहुत जितना मैं इसको रेगुलर देखता रहता हूँ और बिल्कुल एक सही दिशा में जा रहा है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल और चौधरी रणदीप सिंह जी बहुत दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसा मेरा आपको मेरे मन की बात है। ये आपने बात की है चौधरी वीरेंद्र वर्मा की झंझाड़ी वाले। देखिए रणदीप जी, वैसे तो आपको पता है कि ये जॉब में रहे हैं, इन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब की है। आईएएस देखिए वो आईएएस है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, वो तो अभी चौधरी वीरेंद्र वर्मा ही इसके बारे में बता सकते हैं वो आईएएस है कि नहीं है। ये बात जो भी चीज़ मुझे कन्फर्म है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अच्छे से भर्ती हुए थे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आईएएस है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, और एचएस भर्ती हुए थे। और ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले जब तक माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हरियाणा में एचएस की भर्तियाँ कैसे होती थी वो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं में से एक भर्ती वीरेंद्र वर्मा की भी हुई थी और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद में फिर एक पहले ये बात सामने आई कि भाई ये रोड समाज के लिए काम करेंगे, रोड समाज के बारे में उनके बैकग्राउंड के बारे में खोज करेंगे, फिर बात आई कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो कभी बात ही नहीं करेंगे, फिर अब धीरे धीरे करके चुनाव में कि अब राजनीति कर रहे हैं। जी आपने जो एक तरह से इन्होंने समाज का मुद्दा जो उठाया था बरादरी का, मराठा होने का, कि लोग रोड मराठे होते थे, उसको लेकर के क्या कहना है आपका, क्योंकि आज जो बरादरी है वो दो भागों में कहीं ना कहीं बटी हुई दिख रही है। देखिए रणदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल बरादरी दो भागों में नहीं बटी हुई है। बरादरी का एक ही भाग है, वो है कि हम रोड है, दो चार पांच लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं है, मैं गिनती में गिना सकता हूँ आपको। हाँ इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया पे दो चार लोग कुछ ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए हैं
उसमें डालते रहते हैं, उससे कई बार लगता है कि भाई बहुत सारे, लेकिन है नहीं है कहीं पर भी। अब जो रोड और मराठा की बात जो आपने की है, वैसे तो इस पर चर्चा करना भी मैं अपने आप को थोड़ा सा ये समझता हूँ कि भाई बरादरी के लिए बड़ी पीड़ादायक बात है। देखिए रणदीप जी, हम और आप एक परिवार से संबंध रखते हैं, रोड समाज से संबंध रखते हैं, और हमारा एक सोशल दायरा है। जैसे कि एक परिवार एक मुखिया चलाता है, रोड समाज को भी कुछ लोग चलाते हैं, उसका एक संगठन है, उसका एक सिस्टम है बना हुआ, जो सभा है। हाँ, सभा भी कहें और भी सोशल हमारे काफी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, धार्मिक वो भी है। अगर मैं जो समझता हूँ कि जब परिवार की बात आती है कि परिवार का निर्णय परिवार के लोग करते हैं, मुझे एक बात आप जरा आप भी गंभीरता से सोचो कि वरिंदर वर्मा कहता है कि भी हमारा तो महाराष्ट्र से संबंध है, मैं इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र से हमारा संबंध है, तो आपने अपने घर में मीटिंग बुला बुला करके लोगों को समझाया कि नंबर एक तो भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। जो लोग शुरू शुरू में वहां पर जाते थे, उसके फार्म पे जाते थे, वो सब लोग यही कहते थे कि वो राजनीति नहीं करेगा, वो तो बड़ा समाज का काम कर रहा है, बड़ा भले का काम करता है। बिल्कुल, ये चर्चा होती थी जब इन्होंने इस तरह का हिस्टोरिकल ये मुद्दा लेकर के आए थे जी, कि राजनीति नहीं। और इसने जो धन संग्रह शुरू किया, वो इस नाम पे धन संग्रह शुरू किया था कि हम समाज के लिए काम करेंगे, उसके लिए धन चाहिए। बाद में वो धन चुनाव में इस्तेमाल हुआ या कहां पर वो धन इस्तेमाल हुआ, गांव गांव में जाके पर्चियां काटी, सब कुछ किया, वो कहां पर वो पैसा है हमें नहीं पता उसके बारे में, समाज के लोगों को नहीं पता उसके बारे में। लेकिन मैं ये कहता हूं भी, अगर इसके इसके मन में ये बात आ गई कि रोडों का संबंध महाराष्ट्र के लोगों से है और पानीपत के युद्ध से है, तो इसका काम था भी। देखो, मेरे दिमाग में एक बात आई है, ये भी एक बात हो सकती है, उस बात को इसको समाज के सामने रखना चाहिए था और समाज को कहना चाहिए था भी, देखो मेरे मन में ये बात आई है, आपको ठीक लगता है तो स्वीकार कर लो, नहीं तो फिर मैं अभी आपके साथ हूं। लेकिन नहीं, इसने तो अपने घर से घोषणा कर दी कि ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है। और किसके थ्रू करी? कि फलाना एक आदमी है, मुझे तो नाम भी उसका ध्यान नहीं है, कई बार आता है उसका, कि उसने खोज की है। रणदीप जी, मुझे कोई बताए कि जोगी समाज की खोज किसने की थी, किस दिन बना था वो, राजपूत समाज किस दिन बना था, कुमार समाज कितनी बना। हम एक मोटी भाषा में कहते हैं कि भाई हरियाणा में तो 36 बरादरी है, कोई एक बरादरी बताया कि भी उस दिन बनी थी? रोडों में ये लड़ाई क्यों क्यों इसने ये बात शुरू कर दी वहां से? और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोडों को तो इतना लंबा हिसाब है, 500 साल के नाम ले लो आप। जब इसने ये बात शुरू की थी, आपके ध्यान होगा रणदीप जी, अपने फार्म के ऊपर जब ये मीटिंगें, बड़ी बड़ी मीटिंगें करते थे, लोगों को बुलाते थे, और उस समय चौधरी शिवराम वर्मा जीवित थे, उनकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त थे, वो ठीक ठाक थे, ठीक है, वो राजनीति से रिटायर हो गए थे, उसके बाद शायद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा इसके बाद में, क्योंकि चुनाव में फिर ये आ गए थे। चौधरी शिवराम वर्मा ने इससे बड़ा प्रूफ लोगों को क्या चाहिए? आपने कहा कि दो फाड़ होगी, कि दो फाड़ तो चौधरी शिवराम वर्मा ने नहीं होने दी। चौधरी शिवराम वर्मा ने एक भी दिन ये नहीं कहा कि मेरा बेटा सही कह रहा है कि रोडों का संबंध महाराष्ट्र के लोगों से है। उसने भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करी। जब चौधरी शिवराम वर्मा ने भी ये बात स्वीकार नहीं की, उनके भाइयों ने स्वीकार नहीं करी, जंजाड़ी के लोगों ने स्वीकार नहीं करी, तो समाज इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगा? तो समाज के कुछ लोगों ने उस वक्त इसको रोका क्यों नहीं? इस तरह का मुद्दा बनाने के लिए एक पार्टी बना दी, लोगों ने अपने नाम के आगे लिखना शुरू कर दिया है, कई गांवों में झंडे लगाने शुरू कर दिए, आज भी कई गांवों में लगाते हैं, आप लोगों ने भी और लोगों ने रोका क्यों नहीं? देखिए, एजिटेशन क्यों नहीं किया? देखिए, आपके ध्यान होगा कि इसने वो एजिटेशन आपसे फार्म से शुरू किया था, फार्म से, और ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं राजनीति करूंगा, इसने कहा कि मैं तो खोज कर रहा हूं। समाज के लोगों के दिमाग में ये बात थी कि भई अपने घर में को बात करके फिर ये हमारे से बात करेगा। इसने वहां से वो बात, वहीं पर वो बातचीत बंद कर दी। साल दो साल के बाद, तीन साल के बाद फिर एकता शक्ति पार्टी बनाई और कहने लगा कि मैं तो चुनाव में लड़ूंगा। मैं उस समय के उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब तू वहां पर जाते थे, क्या आप सच्चाई से बताइए, क्या इसने नहीं कहा आपको कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? रणदीप जी, राजनीति में चुनाव, देखो जो भी लोग राजनीति में काम करते हैं, चुनाव लड़ने का बहुत लोगों को मन करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑब्जेक्शन इस बात का है कि आपने पहले ये बात छेड़ी, समाज को दो फाड़ करने का प्रयास किया,
ये सफल नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन इसने दो फाड़ करने का प्रयास किया और समाज ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप मुझे एक बात बताइए कि कितने एडवोकेट्स हैं हरियाणा के अंदर रोड समाज के? आप करनाल कोर्ट में अगर आप किले में जाओगे लगभग 200-250 एडवोकेट्स हैं, इतने हमारे साइंटिस्ट हैं, इतने पढ़े पढ़े लिखे हैं। आप विदेशों के अंदर बच्चे जा करके हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या एक ही आदमी को पता लगा कि भाई रोड तो ये है और वो, बाकी किसी को पता ही नहीं लगा? तो आपका मतलब है कि जो बरादरी का जो इतिहास खोजने का वो था महत्वाकांक्षी इनकी एक तरह से योजना थी, उसके पीछे राजनीति थी, एकता शक्ति उसमें उभर करके आई? एक तो इसका स्वभाव है कि मैंने जो कह दिया वही बात है बस, आप कहीं पर भी देख लो। ये किसी को नमस्ते नहीं करना चाहते श्रीमान जी, लोग ये चाहते हैं भी लोग हमें नमस्ते करें, ये स्वभाव हो जाता आदमी का, आप उसको बदल नहीं सकते। और अपने मन से कोई भी चीज को घोषणा कर देना ये उसके स्वभाव में है। मैं एक बात आज आपको कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी का छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन जैसे हम सार्वजनिक जीवन के अंदर रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर मानता हूँ कि जो लोग मेरे बारे में बोलेंगे कि चौधरी मेहर सिंह कलामपुर ऐसा आदमी है, सच्चा है तो इसका मतलब रणदीप जी मैं सच्चा हूँ, और अगर मुझे कहेंगे कि ये झूठा आदमी बोलता है तो मैं झूठा हूँ। जो जिसके बारे में समाज टिप्पणी करता है, लोग टिप्पणी करते हैं, वो सच्चाई होती है। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, इसकी कोई कीमत नहीं होती। ठीक है, ये इनका राजनीतिक जो सफ़र है एकता शक्ति से शुरू हुआ, उसके बाद दूसरी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और आज आम आदमी पार्टी, क्या मानते हैं आप इसके पीछे? जो देखिए राजनीतिक जीवन जो इसने रणदीप जी शुरू किया, मैं तो कहूँगा कि घर में जो मीटिंग बुलाता था, रोड और मराठे की बात करता था, ये वहाँ से इसने राजनीति शुरू की थी, शुरुआत कर दी, लोगों को नहीं बताई। ये समझ रहा था कि भाई ये लोग आते हैं, ये खीर खाएंगे, चाय पियेंगे, मेरे गुणगान करेंगे, नमस्ते करेंगे, और फिर मैं बाद में, और उनको ये बोलता रहा है कि मैं राजनीति नहीं करूंगा भाई, मैं तो समाज का आदमी हूँ। इसके दिमाग में ये भ्रम था कि मैं झूठी बात भी कहूंगा तो लोग मेरे, लेकिन इस बरादरी का सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो कि इसकी बात बिल्कुल झूठ थी, इसकी बात बिल्कुल गलत थी, लोगों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए भी आज तक, क्योंकि नीम जो है इसकी, नीम जो है इसकी, वो नीम टिकी हुई है रोड मराठा के आधार के ऊपर, आज भी उसी की बात करता है, और उस आधार के ऊपर जिस मकान की नीम ही बरादरी को दो फाड़ करने के प्रयास के ऊपर टिकी हो, फिर वो करें कि मुझे MLA बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ, कभी उस पार्टी को कहेंगे कि भाई मुझे MLA बना दो यार, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। एकता शक्ति में थे, अच्छी वोट दी इसको लोगों ने, एकता शक्ति में जब पहला चुनाव लोकसभा से लड़ा था। अब देखिए मैं तो काफ़ी दिन से चुनाव में काम कर रहा हूँ, आदमी को दो तरह की वोट मिलती है रणदीप जी, एक तो भाई चौधरी मेहर सिंह यार चौधरी रणदीप जी अच्छे आदमी हैं, हमने इसलिए इनको वोट देनी है, एक मैंने सामने वाले को सीधा करना है, वो भी मुझे पोर्ट कॉल कर देता है, वो मुझे पसंद नहीं करता लेकिन सामने वाले से नफरत करता है, वोट मिलेगी, और मैं समझू कि इसने मुझे वोट दिया, मुझे नहीं दी, उसने तो उसको सीधा करना था। तो इसको जो वोट मिली वो किस तरह की मानते हैं? वो इस तरह से, रोड बरादरी में उस समय को लीडरशिप नहीं थी, रोड समाज आज भी अपनी लीडरशिप को ढूंढ रहा है, उस तरह के नेता उनको मिले नहीं है जो रोड समाज चाहते हैं। तो इसने वो जो बातें वहां पर की, कुछ लोग तो जो वहां पर पंप पे जाते थे उनके दिमाग में एक बात बैठा दी, और दूसरे लोग जो इसको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उनके दिमाग में एक बात आई कि चलो एक अपने समाज से एक व्यक्ति आया है और इसको वोट दे दो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि इतने समाज ने पूरी लगभग 80-90% वोट इसको दी थी उस समय पे, इसने ये कहा कि देखो भैया बताओ तुम कह रहे थे कि मेरी बात झूठी है, अगर मराठे वाली बात मेरी ठीक नहीं है तो उन्होंने मुझे वोट क्यों दी? तो बरादरी के लोग तो दो जगह पे आ गए ना, एक तो वोट दे दी, एक तो वोट दे दी, और ये कहने लगा भाई देखो तुमने मुझे वोट दी ना, इसका मतलब तुम मराठे हो ना, तो इसकी बात पे एक तरह से मोहर लगी, ये मान रहे क्या? किस बात? इसको वोटें इतनी मिली हैं उस वक्त, एकता शक्ति बनाई थी, मराठे वाली बात छेड़ी थी, उसके बाद वोट इतनी भारी मिल गई आपको, तो उस पे इसकी बात पे कहीं ना कहीं लोगों ने मोहर लगाई? नो, उसकी बात का इसने मतलब गलत निकाला, लोगों ने तो वोट इसलिए दी थी भाई रोड है कोई बात नहीं दे दो इसको। और मैं एक और बताता हूँ बात आपको, लीडरशिप की कमी में दे दी थी, लीडर उभर रहा कोई था नहीं उस समय, इसने संघर्ष किया थोड़ा सा, लगा था लोगों को भाई कर देगा, लेकिन ये जो मन में इसके थी, जो भाव इसके थे, वो आज तक एक एक चीज बाहर आती जा रही है। और मैं तो कई बार रणदीप जी ये बात कहता हूँ कि इसको अगर एक बार MLA बना देते ना तो ये पूरा सौदा निमट जाता,
क्योंकि जो स्वभाव है, जो बातचीत है, वो एक मिनट में सामने आ जाती। वैसे तो लोग अब इसको स्वीकार नहीं करेंगे इसको, जैसे मराठे वाले बात को लोगों ने बुरी तरह से अस्वीकार किया। कोई इसके ऊपर, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि 200-250 एडवोकेट्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इतना बड़ा बड़ा कैडर आपके पास, कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता। अब इसकी राजनीति ही समाज को फाड़ने के ऊपर रखी हुई है। फिर ये कहने लगा, अभी मैं तो अब चुनाव लड़ूंगा, लोग इसके सफाई देते। फिर मैं कहा, यार तुम तो कहते थे चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव लड़ने में बुराई थोड़ी थी। मान लो सरकार से रिटायर होके आए थे, कहते अभी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझे आप वोट दो, दुनिया लड़ती है चुनाव, कोई दिक्कत नहीं थी। ये काम नहीं करना चाहिए था। और अब देखिए, आप रोड समाज के कितने कार्यक्रम होते हैं, कितने भागीदारी करता है ये, गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से कितने कार्यक्रम होते हैं, कभी नाम लेता है अपनी जवान से, जय शिवराय। शिवराय भी रणदीप जी हमारे लिए पूजनीय है, पूरे राष्ट्र एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के नेता हुए, पूरे राष्ट्र के रहे होते। लेकिन जिस आदमी ने शिवाजी के नाम को भी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, आप उसकी सोच कैसी होगी? पहले एकता शक्ति में कि मुझे लोगों ने स्वीकार नहीं करा, मैं उसको लात मार दी कि तुमने तो मुझे वोट नहीं दी, एकता शक्ति को खत्म कर दिया। फिर एकता शक्ति को विलय कर दिया पार्टी में, किसी दूसरी पार्टी में, कि मैंने तो विलय कर दिया, मेरी पार्टी खत्म होगी। फिर मायावती के पास चले गए, लोगों को कहने लगे, भाई देखो मैं मायावती के पास गया हूँ, मुझे वोट दे दो यार, मुझे MLA बना दो। लोगों ने नहीं स्वीकार किया। फिर कांग्रेस में इसके व्यक्ति कहते थे कि भाई हम वहाँ जाएंगे रोहतक, जा जा करके हम तो आज महम में चले गए, आज हम रोहतक में चले गए, और इसने तो वहाँ जा करके भूपिंदर सिंह हुड्डा को चैलेंज कर दिया। कोई उत्तरी हरियाणा में ऐसा नेता नहीं था जो भूपिंदर सिंह हुड्डा को चैलेंज करे। हमने वहाँ पर रैली की, और 2 साल के बाद 3 साल के बाद क्या करने लगे कि भूपिंदर सिंह हुड्डा तो बहुत अच्छा है भाई, हुड्डा साहब के साथ करेंगे, उनके साथ रहे, उसके साथ चले गए। तो कुछ दिन पहले तक फिर कहने लगे भाई भूपिंदर सिंह हुड्डा तो ठीक आदमी नहीं है। फिर भाजपा में आ गए, पहले एक बार भाजपा में आए, फिर कांग्रेस में चले गए भाजपा छोड़ करके, फिर कहने लगे मैं वापस आ गया हूँ, फिर बीजेपी में आ गए। अब 2-3 साल बीजेपी में रहे, अब कह रहे हैं कि भाई मैं तो आम पार्टी में जाऊँगा। विषय सिर्फ एक किया कि मुझे MLA बना दो। तो बीजेपी में रहे, आपका कहीं इंटरेस्ट तो नहीं क्लैश हुआ जिसकी वजह से ऐसा? देखिए रणदीप जी, मैं बीजेपी का, मैंने, मेरी अभी 61 साल की उम्र है, और मैंने जितने भी राजनीति की है केवल बीजेपी में किया है, और भाजपा के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर मांगने से कुछ नहीं मिलता। मेरे मन में क्या है उसकी कोई कीमत नहीं है, पार्टी मेरे लिए क्या सोचेगी, हम उस बात के लिए समर्पित होते हैं। अगर पार्टी मुझे कहेगी मेरे सिंह जी चुनाव लड़ो, वैसे तो करनाल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी MLA हैं, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम टिकट मांगेंगे उनके मुकाबले में। हमने तो उनको जिताना है, मनोहर जी के लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, मुख्यमंत्री बनाना है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने बहुत उनके साथ काम किया है, इतने नेक आदमी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मैं आज भी कर रहा हूँ। अभी मुझे जो प्रदेश कार्यकारी सदस्य बनाया है, मैंने बार बार कहा है कि माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। ये ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनके बगैर संभव नहीं है। तो सब कुछ हम तो उन पर छोड़ के रखते हैं। तो इतनी पार्टियों का इनका जो सफर रहा उसको कैसे देखते हैं आप? एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि जो मैंने बताया कि जब इसने वो पेट्रोल पंप पे ये काम शुरू किया था कि भाई मैं बताता हूँ रोड कौन है, उस दिन भी मन में यही बात थी, आज भी मन में यही बात है कि मुझे MLA बनना था यार, तो मुझे MLA नहीं बनना वक्त थी इसके, मुझे MLA बना दो यार, उसकी जड़ में यही था राजनीति थी। हाँ, और कैसे राजनीति शुरू की? आप पूरी बरादरी को, पूरे समाज को गुमराह कर रहे हो कि मुझे तो राजनीति ही नहीं करनी। अरे आप सीधे सीधे कहते भी मुझे राजनीति करनी है यार, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चौधरी शिवराम वर्मा ने चुनाव की राजनीति करी, जीते, मंत्री बने, ठीक ठाक बहुत बढ़िया काम किया है। तो क्या उन्होंने भी ऐसे काम किए थे क्या? चंदा सिंह ने ऐसे काम किए थे क्या? चौधरी चंदा सिंह जी ने कभी काम नहीं किए? ईश्वर सिंह ने भी ऐसे काम किया था क्या? तो रोड महासभा में तो ये भी रहे हैं। अब रोडों के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ादायक बात यह है, एक तो वोट दो, और जो वोट दे देता है फिर इसके आदमी कहते हैं देखो इतनी वोट दी हमें, तो मराठे हो ना सारे, वोट भी दो और अपनी जाति बदलो, ऊपर ठपलवाओ। हाँ, तो ये कैसी, इसीलिए लोगों ने इसको अब बुरी तरह से तो छोड़ दिया इस बात को। सभा में तो सदस्य ये भी रहे हैं और आज भी हैं क्या? मुझे नहीं लगता,
ये इसकी मेंबरशिप है नहीं है वो तो मुझे इसकी तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ करने की इसकी जरूर मंशा है। तो केजरीवाल के साथ आ गए, अब क्या लगता है आम आदमी का एक चेहरा बनेंगे वहाँ या क्या? अब देखो अभी तक तो ये खास थे, ये भी लोग कहते थे कि ये तो खास नेता है, अब आम हो गया, अब तो हो गया आम, जो भी लोग आम पार्टी में जा रहे हैं वो सारे आम है, सारे आम है। और 2024 का चुनाव आएगा, आपको ध्यान है कुलदीप बिश्नोई जी ने एक पार्टी बनाई थी, याद है? बिल्कुल। वो कहाँ पर आज? हरियाणा में बहुत से लोगों ने ऐसे ऐसे सपने पाले हैं कुलदीप जी, उनमें से एक ये भी है, आपके ध्यान है ये आपके कुरुक्षेत्र से सांसद से पहले बीजेपी ने उनको सांसद बनाया, सैनी को कितना जहर उसने घोला, फिर एक पार्टी बनाई, कहने लगे अभी जाटों को सीधा करो, क्यों भाई जाट हरियाणा में नहीं रहते क्या? आप जात बरादरी की बात क्यों करते हो? दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं ये लोग, अरे जाट भी हमारे भाई हैं, पंजाबी भी हमारे भाई हैं, छत्तीस बरादरी हमारे भाई हैं, आप एक आदमी के ऊपर टारगेट क्यों करते हो भाई? मतलब पार्टी हरियाणा में अपनी पार्टी बना करके सत्ता में आना या संघर्ष करना बड़ा मुश्किल है, ये भी एक नहीं, इसका एक स्टाइल अपना, वो ये उसी स्टाइल में चलेगा, बदलने वाला नहीं है। और अब तो एक बात मैं बड़ी मज़ेदार बात आज आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग से इसकी बात, जैसे कल से मेरी बात हो रही है, कई लोगों ने कहा कि वो तो वहाँ चला गया भाई, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारा तो कोई क्लैश है नहीं उनके साथ कहीं पर भी, तो लेकिन एक बात आप देखिए कि जो आधार है राजनीति का वो कहाँ से शुरू किया, पेट्रोल पंप से कौन सी बात शुरू की और कहाँ पे आके खड़े हो गए और मन में क्या कि मुझे MLA बना दो यार, तुम लोग तो नहीं MLA बनाएंगे, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि लोग स्वीकार करेंगे। अब लोगों ने, जब हम सार्वजनिक जीवन में रहते हैं रणदीप जी, तो लोग हमें समझ लेते हैं, अब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो आदमी अपने परिवार के लिए नहीं हुआ, इसको कहना चाहिए आज भी, मैं मानता हूँ अगर थोड़ी सी समझ आए और थोड़ा सा ये आराम से बैठ के घर में सोचता है कि बिल्कुल सार्वजनिक तौर के ऊपर इसको ये बात कहनी चाहिए कि भाई मेरे से गलती होगी, मैंने ये बात आपको कही थी, मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ, इसको ये बात कन्फर्म वापिस लेनी चाहिए, उसको आधार में बता देता हूँ, अगर इसको चाहिए 500 साल के नाम हमारे से ले लो आप, इसके परिवार के नाम, आप जानते हो राम कुमार आर्या जी हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं पहले बीजेपी के, इसके परिवार से हैं, राम कुमार आर्या, सुरेंद्र बब्बू और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रोड धर्मशाला में, जब इसने ये झगड़ा किया था धर्मशाला में, और राम कुमार आर्या ने 15-16 पीढ़ी के नाम दिए थे लिख करके कि मेरा और उसका परिवार कहाँ पर जाकर के मिल जाता है, ये हमारे नाम है, आप अपने पुरजों का नाम ही नहीं स्वीकार करते यार। अब ये कहते हैं कि महाराष्ट्र से आए थे, भी तुम महाराष्ट्र से आए थे, कह रहे हैं भी हम तो युद्ध लड़ने आए थे। चलो वो तो बात ही नहीं, 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 एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, दुनिया में रणदीप जी मुझे ऐसे कैसे युद्ध का नाम बताओ जिसमें सैनिक औरतों के साथ लेके जाते हैं, जाते हैं कोई युद्ध है जिसमें औरतों को साथ लेके जाते हैं? ये कह रहे हैं भाई, अरे फिर हम किसकी संतान है भाई? अगर आप, और फिर अगर औरतों को साथ लेके आए तो तुम कैसा युद्ध लड़ने लगे थे और तुम किस तरह के सैनिक थे फिर? एक दिन का युद्ध था वो, पता है कितने दिन का युद्ध था? एक दिन का, एक ही दिन का, और क्या? अच्छा। चलो, उसकी जड़ में क्या कुछ है वो आपने बताई दिया, इसका असल में क्या था, राजनीति करना इनका मकसद था, यही आपका? केवल राजनीति करना, और मैं ये कह रहा हूँ राजनीति करने में कोई बुराई नहीं, अगर इसको राजनीति करनी है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी में इनकी दाल गलेगी कि नहीं गलेगी, कुछ बनेगी? नहीं, उसकी दाल किसी पार्टी में नहीं गलेगी, अपने समाज में नहीं गल रही है उसकी दाल, तो पार्टी में कैसे गल जाएगी दाल उसकी? और मैं एक और बात आज बता देता हूँ आपको, आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ, इसके मन में है कि मुझे शायद लोकसभा का कैंडिडेट बनाएगा रणदीप जी, 2 लोकसभा हैं करनाल में, हरियाणा में, करनाल और कुरुक्षेत्र, जो लोग कहीं पर भी नहीं पछते उनको करनाल और कुरुक्षेत्र भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोड समाज की बहुत बड़ी बहुतायत में संख्या है, और हमारे लोग उनको स्वीकार कर लेते हैं। पंडित चरणजी लाल जी आए करनाल के थे क्या? सोनीपत से आए थे, करनाल चुनाव लड़ लिया, मैं तो सांसद हूँ यहाँ से, चार बार रहे। अरविंद शर्मा कहने लगा मैं तो सांसद हूँ, रोहतक से आया यहाँ आकर के लड़ लिया। IDD स्वामी कहाँ से थे? फिर भजनलाल का बेटा यहाँ चुनाव टिकट लेकर के आ गया पिछले चुनाव में, दो चुनाव पहले। वही हालत कुरुक्षेत्र में है, कभी जिंदल आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो भेजा जा सकता है। लेकिन अब आप सुनिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि करनाल से अरविंद शर्मा किसी बनिए को टिकट देगा लोकसभा का, इसको टिकट नहीं मिलेगा।
क्योंकि उसको भी अपनी बरादरी स्वीकार, यहाँ पर केजरीवाल आम पार्टी से किसी बनिए को करनाल लोकसभा से टिकट देगा और जिस दिन टिकट देगा उस दिन भाग जाएगा ये। और अभी तो मैं एक और बात बता रहा हूँ, परसों ज्वाइन किए ना वहाँ पर, और कल मेरे ख्याल रैली है, परसों रैली है, अगर इस चुनाव में कोई दुआवाई होगी तो ये कहेगा भी मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो फिर चल जाएगा कहीं पर भी। उम्मीद है टिकेगा नहीं आप? नो, उम्मीद क्या है, कन्फर्म है, एमएलए तो बनेगा नहीं, जब एमएलए नहीं बनेगा तो फिर कैसे बात होगी। तो पहले लोकसभा चुनाव है, पहले लोकसभा इकट्ठा भी हो सकता है, 6 महीने का डिफरेंस है हरियाणा और लोकसभा का, शायद कई बार इकट्ठा भी हो जाता है, लेकिन पहले लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में टिकट इसको मिलना नहीं है। जी जी, ये उम्मीद है आपको। हाँ जी। तो वीरेंद्र वर्मा झंझाड़ी वाले आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और इसी मसले पर, क्योंकि वो करनाल जिले से हैं, रोड समाज से हैं, हमने भी रोड समाज से चौधरी मेहर सिंह कलमपुरा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनके साथ बातचीत की। हमारी रिपोर्ट पर कमेंट्स करें और आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं एक मिनट के लिए एक बात और आपसे कहूँगा, 2014 से पहले की जो सरकारें रही हैं रणदीप जी, और मनोहर लाल जी ने जो अभी 2014 से लेकर अभी तक हरियाणा में सरकार चलाई है, अब कितनी ईमानदारी से सरकार चली है इस बात को सब लोग जानते हैं। अब सरकारों के पास कुछ कहने के लिए, लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो भ्रष्टाचार है। 2014 से पहले जैसे जैसे लोग कैसे लोगों को नौकरियाँ मिलती थी वो सब पता है। कल चौधरी ओम परसु टाला को कोर्ट ने आज दी है। मुझे जरा एक बात बताना, भजनलाल ने कैसे राज किया हरियाणा में, कैसे नौकरियां देते थे, भूपिंदर सिंह हुड्डा कैसे करते थे नौकरियां, बंसीलाल ने कैसे काम किया था, मनोहर लाल ने ये काम तो नहीं किए। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मनोहर लाल ने इस काम में, इस करप्शन में शामिल है। मैं शामिल हो सकता हूँ, कोई और शामिल हो सकता है, मैं उस पर दावा नहीं करता, लेकिन अगर कोई मैं करूं या कोई और करे, अगर मनोहर जी को या किसी सरकार को पता लग जाता तो एक मिनट भी उसको बख्शा नहीं जाता। अब कुछ भी लोगों के पास कहने के लिए नहीं है तो इसलिए तरह तरह के एलिगेशन लगाते हैं। वीरेंद्र वर्मा भी आज एलिगेशन की स्थिति में है, तो मेरा ये मानना है कि मैं तो जहां पर हूं आरोप लगा करके छोड़ी है। आरोप तो क्या लगाएगा उस पर, कुछ मेरे ख्याल तो कल उसने जब बोला है कोई आरोप भी नहीं लगा सके, वो कुताही ने आरोप लगाने के लिए। अब इतनी इतनी पार्टी पर इतने इतने आरोप लगा लिया तो खत्म हो गया, आरोप लगाने की क्षमता खत्म ना खत्म हो गया, वो नहीं अब नहीं रही है, क्योंकि अब तो अपने जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसको सिर्फ उसी को बचा ले तो वो बहुत बड़ी बात है। वो अटैक पे नहीं है, डिफेंस में है, डिफेंस में खेल रहे हैं। हमारी रिपोर्ट्स पर अपनी राय जरूर कमेंट्स के माध्यम से हमें भेजें।